नमस्कार, आपका स्वागत है लाइव सीवर भारतवर्ष में। सीवर जिले के तरियानी प्रखंड के सुरगाही पंचायत का मामला सामने आया है। इस पंचायत के मुखिया द्वारा छठ घाट पर कोई साफ सफाई भी नहीं किया गया है। एक और छठ को लेकर जिला प्रशासन सभी एक्टिव पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीवर जिले के सबसे पिछड़े पंचायत में सरकारी आदेश का पालन तक नहीं किया गया है। पंचायत के मुख्य केंद्र में अवस्थित सुरगाही मध्य विद्यालय पोखर पर इस पंचायत के 60% से अधिक लोग छठ करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी मुखिया के द्वारा साफ सफाई पर 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया गया है। जबकि इस पोखर का खुदाई भी मुखिया के द्वारा किया गया है, लेकिन कहीं भी खुदाई तक नहीं दिख रहा है। घाट का साफ सफाई नहीं हुआ, इसके संबंध में क्या कहना है? पूरा अवसर आया था ना यहाँ पर, तो हुआ सा पोखरी समिति पंच से खनाएगा, तो मुखिया महोदय का ऐसे मेरा इज्जत का सवाल है, तो इसलिए पोखर हम खनेंगे के। तो मान लीजिए अभी मुखिया महोदय लगा दिया है बोर्डर और पोखर का साफ सुथरा नहीं किया है, और बर्मखंड हमसे भी बात करते रह गया से पोखर हम ही खनेंगे, पोखर का साफ सफाई अभी तक ले नहीं किया है। और पीओ साहब का है से निश्चित रखिए पोखर बढ़िया से खनाएगा, और पीओ साहब हमने आश्वासन दिए से पोखर ट्रैक्टर से माटी नहीं जाएगा, लेकिन रात में ट्रैक्टर से माटी खनाया है और पोखर में एक को छो माटी नहीं खनाया है, और लेबर एक को खटबे नहीं किया, इसमें बोर्ड लग गया है पोखर के बगल में लगा हुआ पोखर। पोखर में खुदाई हुआ है या नहीं हुआ है? खुदाई वही जेसीबी से हुआ है, लेबर से नहीं हुआ है। लेबर इसमें बर्बाद नहीं किया हुआ है, बीच में थोड़ी खुदाई हुआ है, काट में हुआ है जेसीबी से। क्या परेशानी लोगों, क्या परेशानी हो रहा है? लोगों का परेशानी है, पानी में खड़ा हो रहा है, उसमें पिलुआ है, मान ली कोनों के देहों में घुस रहा है, मान ली पूरे जंगलात है, सांप गुजर भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुरगाही पंचायत का, पूरे पंचायत का, चारों गांव का ये मेन पोखरी है। इस पोखरी का छठ के अवसर पे साफ सफाई होना चाहिए था, पक्कीकरण होना चाहिए था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए मुखिया ध्यान देना चाहिए, मुखिया को भी, सबको भी ध्यान देना चाहिए कि भाई पूरे गांव के लिए ये सबसे मेन पोखरी है, इसमें बहुत महान पर्व मनाया जाता है, इसके लिए इसका सुरक्षितकरण होना चाहिए। पूरा पानी नहीं, साफ नहीं है, साफ सफाई नहीं हुआ है, इसका कारण तो आपको ग्राम पंचायत के मुखिया उससे सवाल करना चाहिए, जाकर पूछना चाहिए कि साफ सफाई का है नहीं हुआ है, उसे इंटरव्यू लेना चाहिए आपको। हम लोग तो पब्लिक है, जैसे लोग जनता लोग पब्लिक में, इसके लिए क्या कहना, पब्लिक का क्या है? पब्लिक का यही राय है कि साफ सफाई हो जाता तो देखना सुनवा माकर है, उस सबसे डर नहीं लगता आदमी को, लेकिन अभी घूमने में देखिए, इधर बताइए घूमने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, जाने में आने में लोगों को यही परेशानी है। अरे पिछले साल इलेक्शन था तो पूरे जगह लाइट साइड बिल्कुल सफाई क्लीन हो गया था, इस बार देखो 5 गांव के यहाँ पे डाला बढ़ता है, छठ होता है, पूरा बिल्कुल गंदा, इतना गंदा लग रहा है सर, सफाई भी तो होना चाहिए कम से कम। साफ सफाई कुछ नहीं हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है सर, सफाई, सफाई कर्मी जो बहाल हुआ है वो लोग कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया है, आया तक नहीं किया है, तो घाट है भी कि नहीं, इधर वीडियो करके देखिए पूरा कितना गंदा लग रहा है, पूरा छठ घाट पर कितना लोग जमा हो गया है, गाड़ी भी जा रहा है, देखा इधर भी दिखाओ, ये देखिए ऐसे रहेगा क्या छठ घाट पे? क्या जी बताइए, क्या समस्या सर? हम लोगों को साल में एक बार त्योहार आता है, और इस त्योहार में देखिए हम लोगों को पोखरा जो खनाया है वो तालाब साफ सफाई नहीं है, अभी भी इधर कैमरा कीजिए, इधर देखिए कितना इसमें जंगल लगा हुआ है, पब्लिक भी इससे डरता है, ना अंदर से पानी से कुछ निकल जाए, कहाँ किसको क्या हो जाए, हम लोगों को खुद डर लगता है। जंगल में मतलब अभी सुना हो कि टेंडर आया है इतने इतने लाख का, जो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पोखरा का काम हुआ है या नहीं हुआ है, साफ सफाई की वजह से। 5 साल के बाद तो हम लोग ऐसा मुखिया को वोट नहीं देंगे, फिर क्या फायदा वोट देने से जो हमको सुविधा मिले ही नहीं, वैसा वोट हम क्यों देंगे जो हमारा बेटी माँ को सुविधा, छठ पर्व में साल भर का दिन आते एक दिन का पर्व है, उस पर्व में सुविधा नहीं मिला हुआ है, क्या फायदा हमको ऐसा मुखिया और ऐसा समाज रखते हैं। लेडीज इसमें पर्व करती है, खड़ा होती है 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक खड़ी नहीं होता जब तक खड़ी होती है, वो लोग अगर कुछ तिलको माकुर का इतना उसमें कचरा भरा हुआ है वो कैसे खड़ी होगी, उसको कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, दोनों हाथ बिजी रहेगा उनके पास, वो कैसे अपना वो पाँव में हो कहीं पे भी हो खुजली होगा तो क्या करेगी, वो क्या परेशानी करेगा, यही बोलेगी कि भाई पानी सही नहीं है, मुखिया सही नहीं है, गांव का समाज सही नहीं है, क्या बोलेगी वो लास्ट में, क्या जवाब हो, तो उसका तो पर्व त्यौहार खत्म हो जाएगा, फिर वो जब अर्घ दे के ही तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा उसमें अर्घ देने से।
हमारे मुखिया जी है वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ इस पे फंड आता है हर पर्व त्यौहार में, जो भी वो फंड आता है सफाई सुथरा के लिए फंड आता है वो भी नहीं करवा रहे। हमको चबूतरा नहीं चाहिए, चबूतरा आप लेट से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। त्यौहार में इसको साफ तो होना चाहिए था, त्यौहार में साफ हो जाता आप सबको गलत खत्म हो जाता, फिर आप चबूतरा बनाइए लेट से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं था। कम से कम चबूतरा नहीं बनाइए तो साफ तो कर देना चाहिए, जो परिवार उसमें खड़ा होगा, जिसकी बहन बेटी जो खड़ा होगा वो कपड़े पहने खड़ा होगा, इसमें कचरा जोग तक में देखा, मैं इतना पानी हेल के गया था, मैं जोग तक देखा, इसमें मछली तक देखा, कचरा तक देखा, तो इतना चीज है इसमें, और कोई अनजान व्यक्ति खड़ा होगा उसको क्या बीतेगा, उस पर कुछ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। उस टाइम क्या मुखिया खोजना जाएंगे, समाज को खोजेंगे, या तो हम समिति को खोजेंगे, किसको खोजेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र ठाकुर।